एंजॉय योर पार्टी ध्रुवा. थैंक यू सर. इशिका. हाँ पापा. जानते हो ना, मीट माई डॉटर इशिका. हाय. पता है सर. जानते हो? बताओ क्या जानते हो मेरी बेटी के बारे में? आई मीन शी इज वेरी इंटेलिजेंट. सुंदर है, इंटेलिजेंट है, ये सब नहीं. और भी है क्या सर? इसलिए नहीं कि मेरी बेटी है, शी इज वेरी ऑर्थोडॉक्स. पार्टी पब जाती ही नहीं. तुम मेरी बेटी के बारे पापा, में बाद में सुना ये ना? सब क्या कहा? हाँ सुना सर. ऑर्थोडॉक्स है ना ध्रुवा? पापा वो आप बोले ना सर. रिसेंटली उसे शादी के लिए पूछा था, अगर तुझे कोई पसंद हो तो बताओ, शादी करवा दूंगा. पता है इसने क्या कहा? क्या बोली सर? पापा मैं आम की बेटी हूँ, आप जिसे भी पसंद करेंगे मैं उसी से शादी कर लूंगी. जो सच है वो बताइए ना सर. वेरी स्मार्ट बॉय. क्या होगा जो बताया उसका उल्टा कर दो. विद्या हाय. हाय. सुंदर व्यू है ना? डिस्टर्ब किया मैंने? नो नॉट एट ऑल. शायद ट्रैकिंग कैंसिल हो गई है. स्नोफॉल ज्यादा होने की वजह से नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन कर दिया. ध्रुवा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी. यू नो सब मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे पर तुम जो मिले सब कुछ उल्टा हो गया. ध्रुवा तुम सब कुछ आसानी से समझ जाते हो, फिर तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? I think I'm in love with you. वैसे मुझे प्रपोज तो करना नहीं आता है, अगर थोड़ा इधर उधर हो गया हो तो एडजस्ट कर लेना. जो मन में था वो बता दिया. प्रपोज करना नहीं आता फिर भी लव को इतने अच्छे से प्रपोज किया. लव सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग. मैं उसकी वैल्यू भी जानता हूं लेकिन उसे रिस्पेक्ट दे सकूं इस हाल में नहीं हूं मैं. ये प्यार व्यार मुझसे नहीं हो पाएगा. आई मीन मैं उसके लायक नहीं हूं. मेरा माइंड, मेरा फोकस वो ना कुछ और है. कुछ और ही है. तुम मुझे पसंद हो, खुद को मत बदलो. जैसी हो वैसी ही रहो. लेकिन ये प्यार की बातें दोबारा हमारे बीच लाकर मुझे उलझन में मत डालना और ना ही खुद इसके बारे में सोचना. भूल जाओ इसे. ध्रुवा कम. मेरे ख्याल से तुम समझ गई होगी. मुझे पता था वो मेरी आंखों के सामने रहा तो मैं उससे प्यार किए बिना नहीं रह सकती, लेकिन ये डर था कि उसे डिस्टर्ब करने से वो मुझसे और दूर हो जाएगा. पापा के मना करने के बाद भी ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू करके मैंने फॉरेंसिक ज्वाइन कर लिया. आ जाओ चाय पीते हैं. तुम्हारे बीच में हम क्या करेंगे? ओए, क्या हमारे बीच? तुम्हारे बीच जो भी हो, लेकिन हम सबके बीच में एक मैसेज है. अगर वो अपने सुपीरियर को पता चला तो अच्छी तरह समझ गए यार. Very smart. Oh. चलो चलते हैं यार. चल. सीट नहीं है यहाँ भी, सिंगल ही पागल कहीं का. यहाँ क्यों आई हो तुम? यहाँ क्यों आई हूँ? एक्चुअली उस दिन तुम्हारी बातों से मैं बहुत इंस्पायर हो गई थी. उसके बाद 6 months तक सिर्फ स्टडीज 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 और कुछ सोचा ही नहीं. कॉलेज वालों ने गले में मेडल भी डाल दिया. इससे मेरे पापा ने खुश होकर कहा ये सब ध्रुवा की वजह से हुआ ना, उसे जाकर थैंक्स कहना चाहिए. तो मैं आ गई. जो सच है वो बताओ ना. रह नहीं सकी इसलिए आ गई. जिंदगी भर मेरा पीछा करती रहोगी क्या? इसे खत्म करो यहीं पे. हाँ नहीं है ध्रुवा. सारी मेडिसिन बराबर चेक किया जी. तुम्हें बहुत जल्दी है, सही मेडिसिन दी है. हाँ वो तो है. भाई 10 तोला होगा भाई. तुमने कैसे सोच लिया कि बिना पर्ची के दवाई मिल जाएगी तुम्हें? हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता. पता नहीं क्या हुआ.
अरे अरे कौन है तुम? अरे अरे उन्हें मत मारो, अरे क्या कर रहे हो, अरे कोई तो बचाओ, अरे मेरे पति को छोड़ दो, अरे नहीं मत मारो उन्हें, मत मारो, अरे छोड़ दो उन्हें, अरे कोई बचाओ, अरे अरे देखो मेरे पति, पति को मार दिया। क्या पल्स नहीं है, he's no more। विशिका अगले सिग्नल पे हॉस्पिटल है, वहां लेकर जाओ, जाओ जाओ चल निकल, जल्दी चलो। देख वो लोग इसी पेपर में वेपन साथ लाए थे जी। हे करण फोन पे, वो उसे चकमा देके कहीं निकल गए। मुझे तो करण, लिसन टू मी, एक चेन स्नैचर की शर्ट होल्ड में मैंने अपना फोन फेंक कर मारा था। अपने फोन पर फाइंड माई फ्रेंड ऐप ओपन करके मेरे फोन के लोकेशन को फॉलो करते रहो। यस सिग्नल मिल, हम लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, कॉल द एक्शन। वो गोलकुंडा की तरफ जा रहा है। हाँ चल। ए जरा घूमना, फोन यहाँ कैसे आया? अभी चैन चुरा कर जब भाग रहे थे तो सिर पे कुछ लगा था, शायद यही था। कोई इशिका कॉल कर रही है। अरे जल्दी से फोन स्विच ऑफ कर, ला इधर। अरे सिग्नल कट गया। ध्रुवा लास्ट सिग्नल गोलकुंडा फोर्ट के एंट्री गेट के पास है, बिलाल बिरयानी पॉइंट। कौन सा गेट है? वेस्ट गेट। तो फिर हम लोग ईस्ट गेट के पास मिलेंगे। ओके बॉयज, ये कॉलोनी गोलकुंडा फोर्ट वॉल से घिरी हुई है। अंदर आने की बस चार एंट्री है, बीच में 14 गलियां और 500 घर है। डेफिनेटली वो लोग यहीं के हैं, चारों तरफ से हर गली में जाएंगे, पक्का यहीं मिलेंगे। लेट्स गो। इधर थे ध्रुवा, सेम पोस्टर मिला है, आई थिंक वी आर क्लोज टू देम। स्नेचर्स यही है, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। हाँ विजय ने काम कर दिया। हाँ नमस्ते। इंसान की जान तुम्हारे लिए इतनी मामूली है।
गुड जॉब ब्रदर्स, गुड जॉब ब्रदर, गुड जॉब। दो महीने से विजयनगर की सारी चैन स्नैचिंग हमने ही की थी, आज भी ऐसा करने गए तो एक को मारना पड़ा। बोलो ऋषिका, फोन स्विच ऑफ क्यों किया? बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा वो कैसी है अब? अपने पति के बारे में सोचकर बहुत रो रही है, अभी सेडेटिव दिया है। वैसे तुम कहाँ हो? ठीक है बाद में बात करता हूँ। ध्रुवा, ध्रुवा, हेलो, पागल कहीं का। ये किसका घर है यार? कम, डोंट वरी मैन, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का घर है, चल। ए, रुक रुक रुक, पहले दाया पैर अंदर रख। क्यों बे? ए पंजाबी, मामा को कंफ्यूज मत कर, दाया पैर ही तो उठाया था। तू आ जा मामा। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी फिजिक और वेस्ट थिंकिंग में कोई कनेक्शन है क्या? बॉडी में थोड़ा रोमांस होना चाहिए मामा। अंदर चिकन कबाब रेडी। चिल मामा, कम ऑन कम ऑन। अच्छा सच में ये तेरे दोस्त का ही घर है ना? समझ गया। ए छोटे हाथी, ओह तो यही आ गए। कम, हेलो, मीट माय बॉयफ्रेंड। इसे कितना भी मारो ये चुप ही रहता है। जब भी मुझे गुस्सा आता है ना, ऐसे निकालती हूँ, ऐसे घुसाती हूँ। क्या देख रहे हो? अगर ये फैसिलिटी नहीं होती तो मैं अपने गुस्से की वजह से डायरेक्टली तुम्हें मार देती। यहाँ क्यों लेकर आया यार? तुम दोनों का झगड़ा खत्म करने के लिए। इसकी बात की रिस्पेक्ट करके मैं इतने दिन दूर रही, अब मुझसे नहीं होता इसीलिए मैं आ गई। अरे यहाँ आकर देखा तुम सब दीवार कूद कर कहीं जा रहे हो, और वो अकेले कुछ लोगों से जाकर मिल रहा है। What? अकेला कैसे? हम सब तो साथ में जाते हैं। हाँ? इतने शौक क्यों हो रहे हो? ये अकेले जाता है ये तुम्हें भी नहीं पता था? मैं सच बोल रही हूँ, चाहो तो अपने दोस्त से पूछ लो। क्यों, इश्का ने जो कहा वो सच है? क्यों बे, हमें बिना बोले अकेले ही जाता है? यहाँ साइलेंस प्लीज का बोर्ड नहीं लगा है, बात कर सकता है। ए, मेरी लाइफ में मेरी कुछ पर्सनल बातें, उन्हें तुम सबको बताने की जरूरत नहीं है। ध्रुवा,